प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत सही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैबंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानीर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे सैसी 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे सैसी 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरू विनती करू। दरों चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने जियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम।
चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रोय, चरणों ऊपर शीश रखूं कहूं जो कहनी होय। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद तिनके हृदय न समान, अवगुण किए तो बोध किए करत न मानी हारी। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बहुड़े पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार है। तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सुख। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटी। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आवण हो क न हो। आग गए ना बावड़े रते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार,
कोई कागज में बाकी रहरी, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर बनरो वे मन माही, वो ऊंची डारी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़न तानू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। कबीर राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामी, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, छेरी के गल गल थना जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को समझाने के लिए स्वयं ही यहां आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही आकर के समझाते हैं, जो काल भगवान अर्थात इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के द्वारा जो तत्व ज्ञान छुपा दिया गया होता है, ये स्वयं को ही अपने आप को प्रभु सिद्ध कर बैठा होता है अपने अनुभवहीन ऋषियों और महर्षियों के द्वारा उनके अपने अनुभव की पुस्तकें रचवा करके पूरे मानव समाज को ये भ्रमित करा चुका होता है। तब परमात्मा हम प्राणियों पर मेहर करते हैं, रजा करते हैं, उनको दया आती है हमारी इस दीन अवस्था की, फिर वो परमात्मा स्वयं ही यहां आते हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं और अपने का दुख अपनों को ही होता है। काल हमारा कुछ नहीं है, ये ब्रह्म से हमारा कोई नाता नहीं है, इसके दिल में रहम नहीं हमारे प्रति। यदि रहम होता तो ना किसी का बेटा मारता ना बेटी मारता, ना किसी का भाई मारता ना किसी की बहन मरती, ना किसी की टांग कटती ना किसी को कैंसर होती, ना कोई अंधा होता, ना ये गधा बनाता ना गधी बनाता, इसके कोई रहम नाम की चीज नहीं है। हम अपनी नालायकी के कारण
इस काल के चुंगल में फंस गए। अब इसने हमें इतना भ्रमित कर दिया है कि हम अपनी अवस्था से, अपनी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अपरिचित हो चुके हैं। हमारी बुद्धि इतना ही काम कर रही है कि जन्म हुआ है, संतान उत्पत्ति करनी आवश्यक है, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं है, और फिर ये बड़े हो जाएं, बड़े होने के बाद इनका ब्याह हो जाए, हमारा वंश चल जाए, फिर मेरी मृत्यु हो जाए, और फिर कुत्ते, गधे, सुअर आदि ये भी प्राणी बनते ही रहते हैं, ये तो कर्म आधार पर भोगना ही पड़ता है, ये तो बनना ही पड़ेगा। ऐसी थ्योरी, ऐसे सिद्धांत पर हम आधारित हो चुके होते हैं। परमात्मा आते हैं और वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं। वो यथार्थ ज्ञान वर्तमान में चल रहे सर्व ज्ञान के विपरीत होता है, वास्तविक होता है, जिस कारण से एकदम विरोध प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे अपने इसी ज्ञान को, जो दास आपको उन्हीं के द्वारा बताए हुए ज्ञान को सुना रहा है, यही ज्ञान वो स्वयं सुनाया करते थे, और बहुत ही जबरदस्त विरोध हुआ था। तभी ये पीर लोग, मुसलमानों धर्म में जो पीर और काजी मुल्ला होते हैं, वो हिंदू धर्म के ये ऋषि, महर्षि और गुरु, ये ब्राह्मण, ये सारे उस भगवान के शत्रु बन गए थे। उन्होंने प्रजा और राजा को भ्रमित करके, मिसगाइड करके परमात्मा के उस ज्ञान को जन साधारण तक नहीं जाने दिया था। लेकिन समर्थ की समर्थता छुपाई नहीं छुप सकती, उनके अंदर इतनी प्रबल शक्ति थी, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था उनको स्वतः लाभ प्रारंभ हो जाता था। आज से 600 वर्ष, 550 वर्ष पहले 64 लाख अनुयायी हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, जबकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के। ये परमात्मा की समर्थता का प्रमाण था, ना कि ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा यही बताया करते थे जो दास आपको बता रहा है, जो आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में, पवित्र पुराणों में, पुराण में, बाइबल में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान में, ये वही ज्ञान है जो परमात्मा पहले बताते थे। लेकिन उस समय उन पीरों ने, मुल्लाओं और काजियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, नकली संतों ने कहा कि कबीर अशिक्षित है, ये किसी भी भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए ये पुराणों या वेदों या गीता जी के और वेदों के विषय में जो कह रहा है ये बिल्कुल निराधार है, इसलिए हम अनजानों को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमने उनकी इन बातों को सत्य मान लिया कि सचमुच कबीर जी अशिक्षित हैं, बाकी शक्ति बहुत है इनमें, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो ऐसे हमने उस भगवान को पहचाना नहीं, और वो हम उनके साथ ज्ञान आधार से नहीं लगे थे, केवल अपने सुख होने, सुख के कारण लगे थे, लाभ के कारण लगे थे, जो संसारिक लाभ ही हम चाह रहे थे। तो जिस कारण से हम फेल हो गए थे, क्योंकि परमात्मा ने को मालूम था, परमात्मा को ये मालूम था कि ये भोली आत्मा केवल देखा देखी लग रहे हैं, इनको ज्ञान कति नहीं, इनको मेरे पर विश्वास नहीं है। और यही सिद्ध करने के लिए, क्योंकि परमात्मा सत्संग में कहते थे कि तुम सभी केवल स्वार्थ वश लग रहे हो, अपने संसारिक और यहाँ के ही व्यवस्था को मांगने आते हो, तुम परमार्थ नहीं चाहते हो। लेकिन वो भोली आत्मा कहा करती, नहीं जी, हम तो मोक्ष ही चाहते हैं। तो परमात्मा ने उनको एक पिछोड़ लगाई थी, उन्हीं की स्थिति उन्हीं के सामने प्रकट करनी चाहिए थी। तो उसमें हम सभी फेल हो गए थे। उसके बाद हम परमात्मा के संपर्क में नहीं रहे, लेकिन वो दयालु इतने हैं
उस समय आकर के उन 64 लाख शिष्यों को भक्ति युक्त कर गई, उनको रिचार्ज करके चले गए, जिस कारण से उनके अभी तक मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं। और अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया है। वही पुण्यात्मा अब इस भक्ति काल में अब आर लेंगे, अब मिल जाएंगे। उसका जन्म हो चुका है, कुछ का अब हो रहा है, आप लोगों के बच्चों के रूप में, संतान के रूप में पुण्यात्मा आ रही हैं, जिनके पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होंगे, और आपके बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत हो जाओगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा, बचपन से ही उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और वो पुण्यात्मा अपना मोक्ष कराएंगे। परमेश्वर कबीर जी की शक्ति से प्रभावित होकर के प्रभु के 64 लाख शिष्य हो गए थे। परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं, इनके अंदर कोई दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है? ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। अपने प्रिय भक्त, प्रिय शिष्य रविदास जी से कहा कि आप मेरा सहयोग दें, मेरे साथ रहें। सब कहानी उनको बता दी थी पहले। परमात्मा ने एक हाथी किराए पर लिया एक दिन के लिए। और रविदास को कहा कि आप मेरे हाथी आंकने वाले बनो, पीलवान, हाथी का ड्राइवर बनो आप। और एक लड़की वैश्या थी, जो प्रसिद्ध वैश्या थी उसी काशी नगर में, सब लोग उसके नाम से भी परिचित थे। वो बहुत प्रसिद्ध वैश्या थी, गणका थी। उस लड़की को एक दिन परमात्मा के सत्संग की झलक कानों तक पहुंची। परमेश्वर कहीं सत्संग कर रहे थे, वो लड़की अपने महल में सुन रही थी। उस बेटी को एकदम प्रेरणा हुई कि मैं तो बहुत दुष्टकर्मी प्राणी हूं, बहुत दुष्कर्मी हूं, मैंने तो जुल्म कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। परमात्मा ने जो मनुष्य जिस वास्ते दिया था उसका तो मैंने लाभ उठाया नहीं। इतनी प्रभावित हुई और उसने आकर के परमेश्वर के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु आप कह रहे हो सत्संग में कि सत्संग में सभी प्रकार के पापी, कोई कैसा भी महाघोर पापी क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। परमात्मा, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? प्रभु ने कहा, क्यों नहीं बेटी, नौका जल से चल रही है, उसमें घास रखो चाहे पत्थर रखो, नौका का स्वभाव है उसको पार कर देने का। आप भगवान की चरणों में आओ, उनका नाम जाप करो, कोई कितना भी दुष्कर्मी है उसके पाप परमात्मा अक्षमा कर देता है, यदि वो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, अव्यभिचारी विधि से जो परमात्मा की साधना करता है। प्रभु ने पूछा, आप क्या ऐसा बेटी, पाप तो वैसे इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप ना करता हो, वो पुण्यात्मा जो अपने पापों को पहचान करके दुखी हो जाते हैं, आप क्या काम करते हैं? तब उसने बताया, भगवान मैं ऐसे ऐसे गणिका हूं और मैंने आपकी अमृतवाणी सुनी प्रभु, मैं बहुत प्रभावित हो गई हूं। तब प्रभु ने कहा, बेटा अपना जीवन सफल कर,
बुराई त्याग दे और भक्ति कर। तो उसने भक्ति करना शुरू किया और प्रभु ने कहा बेटी सत्संग में आकर, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होगा और ज्ञान ही आपको रोक पाएगा। तो वो सत्संग में आने लग गई, वो लड़की सत्संग में आने लगी तो वो प्रसिद्ध थी, एक दूसरे तीसरे सब भक्तों से एक दूसरे को सुन करके सुरसुर सुरसुर होने लगी कि ये तो गंदी औरत है, ये सत्संग में आती है अच्छी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, गुरुजी की बदनामी होगी। तो वो जो पुराने शिष्य थे वह बहन बेटियां और भाई कहने लगे, उस लड़की को धमकाने लगे, उसको बार बार परेशान करने लगे कि तू मत आकर सत्संग में, यहाँ पर तेरे कारण हमारी बदनामी होती है, गुरुजी बदनाम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। उस लड़की ने परमात्मा से प्रार्थना की प्रभु सचमुच में वास्तव में तो बहुत बदनाम औरत हूँ, बहुत गंदी हूँ, इसमें कोई शक नहीं परमात्मा, लेकिन आपके वचनों से मुझे कुछ धैर्य हुआ था कि पापी भी पार हो सकते हैं। ऐसे कहकर वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो प्रभु ने पूछा बेटी बात बता क्या है। परमात्मा ने कहा, उस लड़की ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे कुछ भक्त कुछ बहन मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार करती हैं और कहती हैं तू गंदी औरत है या मत आया कर। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कई बार उनको समझाने की चेष्टा की। क्या कहते हैं भाई, कुष्टि हो वे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या कह विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा कहा करते यदि भक्त कोढ़ी भी हो और सत्संग में आ गया है, चाहे वो कोड़ी है कितना ही भयंकर, कोड़ से बुंडा रोग नहीं होता जिसमें माखी बनकर और उसका चाम मांस कट कट गिरता होता है। कहते हैं ऐसा भी कोई भक्त नाम ले रखा है उससे भी आप नफरत मत कीजिए। और हो वैश्या कह विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी गण का भी शरण में लगी हुई है प्रभु की दृढ़ता से विश्वास के साथ वो भक्ति कर रही है, उसको भी आप आदर की दृष्टि से देखना और आम बहन भाई की तरह उसको प्रणाम करना, सच्चाई बोलना। क्योंकि सत्संग में अगर नहीं आएंगे तो विकार कैसे छूटेंगे, अपनी कमजोरियों का पता कैसे लगेगा, निर्मल कैसे होंगे। यदि हम सरोवर में जल में कपड़े को भिगोएंगे ही नहीं, उसमें डालेंगे ही नहीं, डालने देंगे ही नहीं, तो उसका मैल कैसे छूटेगा, परमात्मा समझाया करते थे। गीता जी में भी लिखा है कि चाहे कितना ही व्यभिचारी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी संत साधु यानी भक्त मानने योग्य होता है। क्योंकि वो सत्संग में आएगा, बुराई कर रहा है, फिर उसको ज्ञान होगा, झटका लगेगा, फिर वो बुराई छोड़ देगा। यदि सत्संग में आएगा नहीं, उसको अच्छे विचार मिलेंगे नहीं, तो दुराचारी व्यक्ति कैसे सदाचारी बन पाएगा। वो बाज नहीं आते, वो अपने ही सोच से अपने ही विचारों से चलते होते हैं, वो संत के विचारों को न मान करके अपने ही अपने आप को वो ज्यादा चतुर समझदार मान बैठे होते हैं, जिससे सत्संग की मर्यादा समाप्त हो जाती है। परमात्मा बहुत समझाया करते थे कि भाई सबसे पहले इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, दूसरे में बुराई निकालने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई।
परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए कि एक नगरी में एक लड़की को पीटा जा रहा था। सभी कह रहे थे मारो मारो। परमात्मा वो कहते हैं एक संत वहां पहुंच गए। उसने पूछा कि अभी इस लड़की को क्यों मार रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत नीच है, उल्टा है, जिसने सारे नगर का माहौल खराब कर दिया है। संत ने कहा ठीक है बेटा, ये ऐसी निकम्मे प्राणी को तो अवश्य पीटना चाहिए और भगा देना चाहिए, पर सुनो मैं बताता हूं इसको कैसे सजा दी जाए ताकि इसको अच्छा सबक मिले। उन्होंने कहा सब खड़े, उनको पता था कि संत बड़ा सिद्धि वाला है और इसके वचन में बहुत शक्ति है, यदि इसने जो बात कह दी तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, इसलिए उसके आज्ञा का पालन करना उन्होंने अपनी मजबूरी समझी। सब खड़े हो गए, रुक गए, अर्थात उस लड़की को पीटना बंद कर दिया। उस संत ने कहा कि तुम सब पत्थर उठाओ और इसको एक एक पत्थर बारी बारी लगाएंगे ताकि अच्छे समय तक इसकी पिटाई हो। फिर कहा कि सबने जो पत्थर उठा लिया एक एक, तब उन्होंने कहा कि केवल वही पत्थर मारे जिसके मन में जरा भी विकार ना हो और जिसने कोई ऐसा अपराध करने की कभी सोची भी ना हो और ना करता हो। यदि ऐसा है तो पत्थर मारे, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। कहते हैं किसी के भी हाथ में पत्थर नहीं रहा, सब पत्थर गे डालकर अपने अपने घर को चल पड़े। तो परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलिया खोए, जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोए। हम इतने पाप करते हैं लेकिन दूसरा कोई किसी के विषय में वही झूठा साचा सुनते हैं तो उसको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं और अपनों को कभी नहीं उगाड़ते। परमात्मा ने बहुत बार कहा लेकिन उन शिष्यों के वो बाद नहीं आए, क्योंकि वो तो अनाड़ी टोल इकट्ठा हो रहा था, देखम देखा लाग रहे थे, उनको ज्ञान नहीं था। परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण नहीं भया, इरदा नहीं छदाए, देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छिदाए, यानी हृदय में उसकी कसक नहीं बनी, हृदय में दिल में जगह नहीं बनी कि इस ज्ञान और इस परमात्मा संत के अतिरिक्त कोई ठिकाना नहीं है। ज्ञान से बनती है ये बातें। सुख तो छोटा मोटी राहत तो अन्य संत भी दे सकते हैं, झाड़ा लानिए भी दे देंगे, लेकिन वो गधे कुत्ते सूर बनने से नहीं बचा सकते और भयंकर कोई कर्म की मार आ गई तो वो झाड़े लानिए नहीं बचा सकते। दादू साहब कहते हैं और संत सब कूप हैं और केते दरिता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। छोटी मोटी राहत तो साधारण से भी संत दे सकते हैं, लेकिन जैसे कोई कुआ भी लाभ दे रहा है, कुआ केवल पीने के लिए ही काम कर सकता है। और केते जरीता नीर, जरीता जैसे झरने होते हैं वो थोड़े से अक्षेत्र में सिंचाई भी कर सकते हैं, लेकिन दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो दरिया की जो कैपेसिटी है, उस दरिया की जो अक्षमता है, वो उन कुओं से तथा उन झरनों से कहीं अधिक है, बहुत अधिक है। इस प्रकार परमात्मा ने सोचा कि ये सारे सुर 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 कर रहे हैं। परमात्मा उस लड़की को मैं तो अच्छा देते थे, बेटी तू अपना भक्ति कर, इनकी मत सुन, तुझे कोई कहता है तो मुझे बता,
लेकिन वो पुण्यात्मा थी, वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेती थी। कहती थी कोई सभी ऐसे बोलते हैं, कोई भी मुझसे जो है ना श्रद्धा यानी सद्भावना से नहीं पेश आ रहा। तो परमात्मा कहते तो आया कर बेटा, घबराना नहीं। तो प्रभु ने कहा, तो वहां प्रभु ने देखा कि ये सब चलो इनके मन में जो दोष है, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी दुष्ट आत्मा होते हैं परमात्मा में भी दोष निकालने लग गए थे। तो परमात्मा ने सोचा कि ला इनकी आज सारी ये ऐंठ काट दूं। तो रविदास जी से कहा कि रविदास एक अच्छी किराए पकड़ लिया एक दिन का, और आप मेरे पीलवान बनो, हाथी के ड्राइवर बनो। और उस लड़की से कहा बेटी कल तू अपने सुंदर गहने पहन के सारे हार श्रृंगार करके सब तरह की टिक्की बिंदी ला के और हमारे साथ आना, अपने जो सारे श्रृंगार करना। उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आप आज्ञा दोगे, आपकी बेटी आपका शरीर। तो उसने लड़की ने अपना सब श्रृंगार किया, परमात्मा के पास पहुंच गई उनकी झोपड़ी पे, वहां एक हाथी ला रखा था। परमात्मा ने एक गंगा जल भर दिया बोतल में, शीशी में। लड़की को हाथी के बीच में बैठा दिया, रविदास जी आगे हाथी को ड्राइव कर रहे थे और परमात्मा पीछे बैठ गए, लड़की के कंधे पर हाथ रख कर और एक हाथ में वह बोतल जो गंगा जल पर रखी थी उस शीशी को मुंह का लगा हुआ, ऐसे शराबियों वाली एक्टिंग कर रहे हैं और लड़की के कंधे पर हाथ उन्होंने रखा हुआ है। और वो सुप्रसिद्ध वैश्या, और कहा रविदास जी को बता दिया कि उस अच्छे भीड़ वाले बाजार में अगर निकालना अपनी सवारी को, तो काशी के उस बाजार में से निकाल दिया जो जहां बहुत भीड़ लगी होती थी। जो भी देख रहा था वही कह रहा था ले भाई वो कबीर है वहां। हम तो पहले ही कहा करते थे कि वहां ऐसे होता है ऐसे होता है, ले आज यह सामने आपका प्रगट होगी। तो शराबी कवाबी आदमी है कबीर, तो ये देखो शराब पी रहा है। और उस वैश्या के को साथ लिए फिर रहा है। अब वो जो बगैर नाम वाले थे, जो परमात्मा के शिष्य नहीं थे, वो परमात्मा के शिष्यों को लाओ पकड़ पकड़ के कि आ जाओ दिखाऊं तुम्हारे गुरु की के काले कारनामे, ये देखो ये देखो वो क्या कर रखा, शराब पी और वैश्या को साथ लिए सरेआम घूम रहा, इसने ये नहीं मालूम इतनी दारू पी रखी आज, तो इसको ये नहीं पता तू कहां घूम रहा है। अब जो नकली शिष्य थे वो कहने लगे कुछ तो, कुछ एक ने तो वहीं कह दिया कि मैं ना था इनका शिष्य, मैं तो वैसे जाता था। कुछ एक ने कहा कि मुझे तो फलाना लेके जाया करता, मैं तुम उसकी शर्म में जाया करता। कहने का भाव ये है 64 लाख के 64 लाख शिष्य अब अपने कर्म बिगाड़ के भगवान को ना पहचाना और भगवान से दूर हो गए। कुछ एक पुण्यात्मा ऐसी थी जिनको ये ज्ञान था, परमात्मा का सत्संग सुन रखा था कि गुरु की बुराई ना करनी चाहिए, तो उन्होंने बुराई नहीं की परमात्मा की, लेकिन विमुख जरूर हो गए, भक्ति त्याग दी, उनके पास जाना बंद कर दिया, लेकिन गुरु की बुराई नहीं की। तो वो व्यक्ति इतना लाभ उठा गए कि उनको मनुष्य जन्म मिलते रहे, वो क्रेडिट भक्ति का रह गया। और जिन्होंने अपने मुख से भी गुरुदेव की बुराई कर दी कि सचमुच तो निकम्मा था हमने तो पता नहीं था, तो उनकी भक्ति पर सारी पर क्रॉस लग गया, काटा लग गया, खत्म हो गई। तो उनमें से उन 64 लाख में से जो ऐसे बच गए उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है, अब वो फिर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन वो कष्ट बहुत उठा लिया, क्या कितने मनुष्य जन्म हो गए उस दौरान 500-600 साल में, और कितने कितने कष्ट दुख। तो परमात्मा कहते हैं सतगुर विमुखा युग युग रोवे। तो अब वो जुड़ भी जाएंगे, यदि अभी पार नहीं हुए तो फिर भक्ति उनको वैसे मिल गई है,
परंतु मोक्ष तो नहीं हुआ, जिस कारण से, जिसके लिए सारा कुछ ये क्रियाएं की जा रही थी, सारा ज्ञान दिया जा रहा था, वो सभी व्यर्थ गया। अब उधर से उन लोगों को, उन विरोधियों को अवसर मिल गया, सारे मुल्ला और काजी और साथ में ब्राह्मण नकली गुरु संत लेकर अपने सब समर्थकों को और भी दुनिया को भ्रमित करके, और पहुंच गए कहां, वीर देव सिंह बघेल के दरबार में। और वहां उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा भी आया हुआ था, दिल्ली का बादशाह। अब वीर देव सिंह बघेल जो था वो तो एक अक्षत्रिय नरेश था और वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आता था, जैसे छोटी छोटी स्टेट होती थी, रियासत उनके राजा और दिल्ली के राजा के अधीन होती थी, प्राधीन होते थे। ऐसे परमात्मा ने भी वो दिन देखा कि आज सिकंदर लोधी भी आया हुआ है, इनकी सब की फड़क निकल जाएगी। तो सभी काशी के जो नागरिक थे और साथ में एक सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था शेख तकी, वो भी परमात्मा से ईर्ष्या रखता था। और उस धार्मिक पीर शेख तकी से सिकंदर लोधी जो दिल्ली का बादशाह था वो बहुत डरता था, उसे प्रभावित था कि सभी मुसलमान समाज इस शेख तकी की बात को मानता है, यदि ये मेरे से रुष्ट हो गया तो मेरे राज्य को खतरा हो सकता है। सभी काशी की नागरिक कई हजारों की संख्या में जब वहां पहुंचे तो सिकंदर लोधी ने कहा, पूछा कि क्या कारण है, किस कारण से आप ऐसे नाराज हैं, क्या बात होगी, तो उनको सब बात बताएगी, सब कहानी से परिचित कराया गया। तो कहा कबीर साहब, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उस कबीर को पकड़ के। और उधर से सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य भी था, सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी परमात्मा ने ठीक किया था, जो किसी से भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, किसी से कोई समाधान नहीं बन पाया था, ना हिंदू संतों से ना मुसलमान पीरों से। और सिकंदर लोधी के सामने परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की थी। एक सिकंदर लोधी के सामने ही एक गाय को कत्ल कर दिया गया था और कबीर परमेश्वर ने उस गाय को जिंदा किया था, जीवित किया था, और उसे दूध निकाल की बाल्टी भर दी थी। एक कमाल नाम के लड़के को जो नर नहर में दरिया में बहता हुआ आ रहा था उसको जीवित किया था, जो बहुत दिनों से एक दो दिन का मृतक था। शेख तकी की लड़की कमाली को परमात्मा ने कब्र से निकाल कर जीवित किया हुआ था। और सिकंदर लोधी फिर भी जनता के दबाव में आकर के और अपने ही गुरुदेव को अरेस्ट करने का आदेश देता है, हम इतने कर्महीन हैं, हम इतने ज्ञानहीन थे कि हम भगवान को नहीं पहचान सके, केवल अपना राज्य ही दिखाई दिया। उसने सोचा कि जनता नाराज होगी तो तेरा राज चला जाएगा, उस नालायक को यह नहीं पता था जब भगवान रुष्ट हो गया तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा, और राज्य तो भगवान के हाथ में होता है। सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ के। अब जनता के अंदर नंबर बनाने के लिए उस नालायक सिकंदर लोधी ने, अब जनता कहीं तेरे से रुष्ट ना हो जावे, अपने हाथों से हथकड़ी लगाई, अपने हाथों से गल में तोक डाल दी, एक भारी बेल होती है वजनदार, इन्हों गर्दन भी मुश्किल से उठाए, और पैरों में बेड़ी बांध लगा दी, अपने हाथों चाबी से बंद किया
और सभी सिकंदर के वो सेठ तकी और अन्य नागरिक कहने लगे, वो गुरु लोग पीर लोग जो परमात्मा से के शत्रु बने हुए थे, कहने लगे इसको दरिया में डबो दो जो का तो, अथकड़ी तुकड़ी बांधे बूंदे उसके वहां डाल दो, दरिया के गंगा के मझधार में डाल दो, बीच में ले जा करके। अंत में यही फैसला फाइनल हुआ और एक नौका में बैठा करके 5-7-10 मस्टंडे नौका में चले गए और उठा करके बीच में दरिया के बीच में गंगा के बीच में उठा करके परमात्मा को पटक दिया। परमात्मा उस गंगा के जल के ऊपर ऐसे बैठे जैसे आसन पर विराजमान हो, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ी गले की तोक अपने आप टूट कर दरिया में गिर गई और प्रभु ऐसे बैठे हैं आराम से। अब वो नौका वाले तो वापस आ गए। अब उन पीरों ने गुरुओं ने हिंदुओं के जो ब्राह्मणों ने ऋषि और संतों ने देखा कि यू तो ना मरिया, अब इसको मारो, कैसे मारे, पत्थर मारो, डले मारे, पत्थर मारे, फिर बोले गोली मारो। गोली का आदेश दे दिया क्यों, राजा का, राजा प्रभावित था, जनता की इतनी जनता रही, भाई कुछ भी करो मैं क्या करूं। अब गोली मारे परमात्मा के, तीर मारे, एक भी आसपास नहीं जा, कोई तो वहीं फ्यूज हो जा कि तो को ऊपर नमो हो जा, कोई इधर जाए कोई इधर जाए। फिर आखिर में क्या कहा कि तोब लाओ तोब, बहुत तेरा गजब हुई, चार पहर तक तोब के गोले, तोब ये भगवान, तोब का गोला तो बड़े बड़े किला ने ढा के घेर दे, चार पहर यानी 12 घंटे, ओहो तोब के गोले अंदा दून दून, दुष्ट आत्मा ने ये नहीं सोचा तुम कर क्या रहे हो नालायक को, यो मानस मनुष्य है जिसको परिसा एक गोली में आदमी बच जा क्या, लेकिन बुद्धि का नाश हो रहा था उनका सबका। 4-12 घंटे तक तोब के गोले नू गुब्बा गुब कहते हैं, वो गोला या तो वही फ्यूज होकर वही गिर जाए नू परमात्मा से 100 फुट की दूरी पर, या दूसरी किनारे पर जा, या और कहीं दूर चला जा, आसपास के तालाब तालाब भी सुखा दिए जो उसके दरिया के साथ साथ भर जाती है झील, वो भी सुखा दी उन तोब के गोलों ने, लेकिन परमात्मा के छींट ना लगी। तब थक के सब कहने लगे अब क्या करें, कैसे लें इसके प्राण, कैसे मारें इसको पापी को, ओए होए होए। तो प्रभु ने देखा ये अनाड़ी लोग हैं, ये काल प्रेरित हैं, ये नहीं डगेंगे यहां से। परमात्मा ने नीचे गोता लगा दिया, जैसे ऐसे नो के नो अपने आप जल में समा गए नीचे को। तब उपस्थित उन ईर्ष्यालुओं ने कहा, ले डूब गया जुलाहा, डूब गया दानक, मर गया कटगी रात, कटगी रात टंटा मिटा, अब इसके ऊपर के रेत रात फिर के मर जाएगा अंदर ही। अब रविदास जी परमात्मा की महिमा बहुत सुनाया करते थे, कहते थे यो भगवान है तुम नहीं समझ सकते। तो वहां के वो पीर मुल्लार शेख तक ही इकट्ठे होकर कहने लगे, चलो उस रविदास के पास आज पूछते हैं कहां गया तेरा भगवान। तो वहां पहुंचे तो परमात्मा अंदर रविदास की झोपड़ी में एक तारा लेकर अपनी महिमा पर गाने लग रहे, एक शब्द सुना रहे थे। अब जो भी देखा खिड़की में उल्टा है बाजले, यू बैठा जुलाह तो यू बैठा वो दानक, अब सब देखें और भाग लें, सब देखें और भाग लें, कहां गए सिकंदर लोदी के पास गए कि वो तो छुप के जादूगर है, रविदास के घर बैठा है। अब फिर रविदास के घर दोबारा देखने गए, वहां कोई नहीं मिला। रविदास जी से पूछा कि कहां गए वो, यहां अभी आवाज आ रही थी। रविदास बोले, तुम ना समझ सकते उस परमेश्वर की महिमा को, तुम्हारे अंदर तो भूत सवार हो रहा है ईर्ष्या का, मुझे क्या पता कहां है। तो किसी ने देखा कि वो तो वहीं फिर बैठे हैं दरिया के ऊपर ही, वह फिर भागे गए लाबड़दा, देखा तो परमात्मा वहीं फिर ऊपर बैठे हैं ठाट से।
तब सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की कि आप बाहर आ जाओ। एक नौका भेज दी परमात्मा, उस नौका में बैठकर आगे उल्टे। अब उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया कि हाथों में फिर थकड़ी जड़ दी, तो बांध हाथ पैर दोनों बांध के। एक खुन्नी हाथी होता है जो आदमी को खा जाता है, मार के कुचल के और मार डालता है, उसके खून को पीता है और उसको शराब पिला करके वहां ले आए जहां परमात्मा को बांध के जुड़ के डाल रखा था, मैदान में डाल दिया। अब पीलवान जो उसका हाथी का कंट्रोलर होता है, उसको समझा दिया कि इसको खत्म करवा दे, इस हाथी के द्वारा नष्ट करवा दे जनता के सामने। अब पीलवान जब हाथी को लेकर चला तो हाथी बड़ी स्पीड से परमात्मा की तरफ चला। और जब निकट आ लिया तो प्रभु ने अपने साथ ही अपनी शक्ति से एक शेर दिखा दिया। और हाथी शेर न देखने के बाद चाहे वो शराब के कुछ भी पी रखी हो, कर्जा पाट जा, इतना डरता है। जब परमात्मा ने देखा, दिखाया कि केरी शेर परमात्मा के पास खड़ा है ऐसे, तो हाथी उल्टा हो लिया, पीछे न मुड़ा। और वो पीलवान अपनी नौकरी के डर का मारा तुझे सजा मिलेगी, उसका अंकुश ठोक है, बाले ठोक उसको वापस लाना चाहे, लेकिन हाथी देखकर फिर चिंगाड़ मारा, लीद कर बिघन तार दिया, वापस बाज दिया। तब परमात्मा ने देखा कि ये पीलवान इस प्राणी को तंग करेगा, उस पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। जब पीलवान ने देखा बिल्कुल निकट हाथी को लिया था, इतनी दूर शेर देखा, तो वो भी उसके अंकुश की तगया राफ की तो हाथी कहीं भाग गया, वो गद पड़ा नीचे बेहोश होकर। तब परमात्मा ने सिकंदर लोधी जो एक मचान पर बैठा था थोड़ा दूरी पर, एक अलग स्थान बना रखा था राजा और उसके अंगरक्षकों और मंत्रियों के बैठने का, जब ऐसी सजा दी जाती थी जनता के सामने तो राजा भी उपस्थित होता था। जब राजा ने देखा परमात्मा के पास एक शेर खड़ा है, अब राजा का भी कर्जा कांपी गया, यू शेर तो भाई एक ही झटके मारेगा तेरे पास। उसको उसी की तरफ दृष्टि देखी कि जैसे छलांग लगाने वाला है। और फिर परमात्मा ने अपना तेजो में शरीर दिखा, हथकड़ी टूट गई अप और खड़े हो गए भगवान। तब वो सिकंदर लोधी वहां से कांपता हुआ मचान से नीचे उतर के आता है, दंडवत प्रणाम किया और सबको कहा कि ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये दुनिया के लोगों हमसे गलती होगी, माफ करो भगवान। अब सिकंदर लोधी का यो भगवान है जनता, वो स्वार्थी लोग इन्हों के राजा बकवाद करता है, भागो यहां से, इसका राज त्याग दो, ये तो इसका चेला है, ये है वो। ऐसे करके उस परमात्मा को स्वीकार ना करके उन नालायकों ने अपना कर्म बिगाड़ दिया। उधर से परमेश्वर अपनी झोपड़ी में आ गए और परमात्मा कबीर जी के दो श्रेष्ठे अर्जुन और सर्जुन वो कहीं बाहर गए हुए थे, दो चार दिन में वो भी आ गए। उनको भक्तों ने कहा भाई गुरु जी ने तो नाश कर दिया, कित जोगे नहीं छोड़े भाई, कति मुंह दिखाण जोगे नहीं छोड़ रखे, हम तो बहुत बुरा हाल हो गया। अर्जुन सर्जुन बड़े दृढ़ थे कि नहीं, हमारे गुरुदेव में कोई भी दोष नहीं हो सकता, आपने कोई गलत सुना है किसी निकम्मे से। अरे वो कहने लगे रहा, हमने अच्छा देखा, क्या बात करते हो आप, ये है वो। अर्जुन सर्जुन ने बहुत दृढ़ता रखी लेकिन कुछ कहने लगे, ने बोला तेरा जो तुम्हारे नहीं दुष्टी क्या, तुम्हें निश्चय नहीं है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं, जाके देख लेना शाम के समय, वो गुरुजी वहीं बैठे पाओगे उस वैश्या के घर पर। तो वो शाम को 4 बजे सी दोनों वहां पहुंचे कबीर परमात्मा उस वैश्या के
द्वार पे और परमात्मा बैठे थे चारपाई पे और लड़की बैठी नीचे और उसके घुटनों पर परमात्मा के पैर वो पैर दबा रही थी। तो दोनों ने जब देखा उस दरवाजा खुला था, अर्जुन सर्जुन ने कहा कि सतगुरु याना बैठियो ये द्वारा है नीच। अर्जुन सर्जुन ठहरे सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु याना बैठियो ये द्वारा है नीच। अब गुरुजी को शिक्षा देने लग गए वो नालायक कि गुरुजी आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, तो एक बदनाम औरत का घर है, ये नीच का घर है। तब परमात्मा ने कहा था कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हार्ड चाम की दे अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने। परमात्मा ने कहा था भाई हम तो सर्वव्यापक हैं, आज कोई ऊंच बना है नीच बना है सभी मेरी ही आत्माएं हैं। मेरी आत्मा मेरा जो लगाव इन सभी के साथ समान है। कोई गधा बना है, पशु बना है, पक्षी बना है, ये सब हैं तो मेरे ही बच्चे, तो मैंने तो सभी का उद्धार करना है। और ऊंच नीच कैसे वर्णन करोगे, हाड़चाम की तुम्हारा शरीर, हाड़चाम का इस लड़की का शरीर, तुम्हारे अंदर दुष्टता है, तुम्हारे अंदर यकीन नहीं है और इसमें ये विश्वास है, तो हम विश्वास के पास हैं और तुम अपना कर्म बनाओ, नाला को कर्म मत बिगाड़ो, अपनी भक्ति करो जो हमने तुम्हें उपदेश दे रखा है। तो मुझे शिक्षा देने आयो, तुम तो मेरे गुरु हो गए, फिर शिष्य कहां रहे। इतना कहते ही उनकी बुद्धि बदल गई, उनको समझ में आ गया कि हाँ भगवान हमसे गलती होगी, परंतु चरण पकड़े माथा टेका नाक रख लिया, हमें माफ कर दो, गलत हो गया हमारे से, हमने अन्य भक्तों के कहने से हमारे मन में भी दोष आ गया। परमात्मा बोला भाई आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं, परीक्षा में तुम फेल होगे। तब उनको इतना ज्ञान समझ में आ गया कि हे भगवान, हे परमात्मा, हमें पार करो, हम पापी आत्मा है, हमसे गलती होगी है। परमात्मा बोले अब तुम्हारे मन में दोष आ चुका है, अब तुम कितनी बात बना लो, अब तुम मुझ पर वो विश्वास नहीं कर सकते जो पहले था। कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर नहीं मिले, मिले तो गांठ पड़ जावे। तो बेटा अब तुम्हारे और हमारे बीच में गांठ पड़गी और अब तुम मुझे उतना ऊंच नहीं मान सकते क्योंकि आपने मुझे इस वैश्या के पास आंखों देख लिया। तुम अपने दोष में अपने विकारों में इतने ग्रस्त हो कि आप मुझे अपने ही तराजू से तोलते हो जो वेरी डिफेक्टिव है। और ये सत्य है, अब तुम्हारा इस शरीर से उद्धार नहीं हो सकता, तुम बेसिक बात बढ़ाओ। फिर चरणों में पड़ गए, परमात्मा हमारा फिर कब उद्धार होगा। ये प्रभु कहने लगा फिर हम कभी फिर चक्कर लगाएंगे, फिर उस समय तुम्हारा मनुष्य शरीर होगा तो तुम्हारी बात बनेगी। उन्होंने फिर आग्रह किया हे प्रभु, फिर ना जाने मनुष्य जन्म हो या ना हो, और मनुष्य जन्म हो तो ये ज्ञान मिला नहीं, हे प्रभु आपके दासों का इसी शरीर में कल्याण हो, हम दुष्टों पर इतने इतना रहम जरूर कर दो मेरे प्रभु। दयालु थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है,